प्यारे बच्चों एवं साथियों, इस समय नियमित जो दिनचर्या हमारी है वो खराब हो चुकी है, जिसमें कि हम लोग कोरोना से पीड़ित हैं या परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं उससे। तो इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए, या तनाव जो मानसिक तनाव कहते हैं हम लोग इसे, उन तनावों से भी हम लोग जूझ रहे हैं, जिससे हमारी एकाग्रता भंग हो रही है। उसके लिए हमें क्या होगा कि योग को हमें अपने जीवन प्रतिदिन की दिनचर्या में अपनाना होगा। योग से हम सभी लोग आसानी से निरोग हो सकते हैं, तो योग अपनाएं और उसके साथ ही अपनी एकाग्रता की शक्ति को, अपने रेगुलर की दिनचर्या को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो उन प्रयासों में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा जो हमारा एक योगाभ्यास है, जिसे हम लोग कहते हैं कपालभाती व्यायाम। ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यायाम है। इस व्यायाम के फायदे इतने अधिक हैं कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये एक तरीके से इस व्यायाम को पूरे एक्सरसाइज का रामबाण कहते हैं। इसे करने के लिए सर्वप्रथम आप एकदम सावधानीपूर्वक बैठ जाएं, उसके बाद अपने मेरुदंड को एकदम सीधा रखें, फिर अंगुलियों को इस प्रकार समायोजित करें। और करना कैसे है आपको इसे, अपने पेट को खींचना है अंदर की तरफ और सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। पेट अंदर, सांस बाहर। पेट अंदर, सांस बाहर। तो इस व्यायाम को आप प्रतिदिन अपने रोज की दिनचर्या में 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं आसानी से। प्रारंभ में इसे करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन प्रारंभ में इसे आप 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, फिर 5-5 मिनट करते हुए, 1 मिनट का व्यायाम करते हुए आप इसे आधे घंटे तक करते चले जाएंगे। इससे मन की एकाग्रता होती है और उससे रक्तचाप आपका सही बना रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में अच्छे से होता है। और सबसे अनिवार्य चीज़ है एकाग्रता, ये बहुत ही उसके लिए रामबाण की तरह कार्य करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है और तरह की बीमारियाँ, हृदय की बीमारी, हृदय रोग, यहाँ तक कि कैंसर रिलेटेड, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही से ना होना भी कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। अगर इस व्यायाम को हम नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में डालते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसे रेगुलर की दिनचर्या, प्रतिदिन की दिनचर्या में, समस्या ये है कि कोई प्रतिदिन नहीं कर पाता है। अगर इसे हम प्रतिदिन की दिनचर्या में अपने डालते हैं तो इसका हमें भरपूर लाभ मिलेगा। तो इसे करने के लिए आप ध्यान से पूर्वक देखिए, लोग अक्सर सीधे करने लगते हैं, पेट को अंदर करना है और सांस को बाहर छोड़ना है, बस। ऐसे ही आपको इसे अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में करना है। तो मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से या अपने इस वीडियो की तरफ से, केवल हम लोग अपने क्लासेस के लेक्चर्स के अलावा भी हम लोग ये चाहेंगे कि बच्चे अपने बेहतरी के, अपने मतलब अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए योग को भी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करें और इसे 5 से 10 मिनट तक नियमित करने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी चीज़ इसका फ़ायदा क्या है कि जो बॉडी के अंदर हमारे लिम्फोसाइट बन जाते हैं जगह जगह पर, कुछ गांठ की तरह बन जाता है, तो यह उसे आसानी से गला देता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के किसी भी अंग में। आज तक ऐसी कुछ दवाइयाँ नहीं बनाई गई हैं, आज तक ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं बनाए गए हैं जो कि मस्तिष्क के कुछ डिफिकल्ट पार्ट तक पहुँच पाए, लेकिन कि एक छोटा सा व्यायाम जो है या पूरे पौष्टिक पोषण तत्वों को, साथ ही पूरे रक्त को, रक्तचाप की चीज़ों को, रक्त को, ब्लड को सर्कुलेशन तरफ रेगुलेट करता है, पूरे आपके पूरे मस्तिष्क की तरफ। और ये केवल एक छोटा सा व्यायाम, कपालभाती से हम लोग बोलते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट व्यायाम है। आप लोग इसे नियमित दिनचर्या में शामिल करें।
इसे अगर वृद्धावस्था में अगर कोई व्यक्ति है तो उसे लगभग वो अपना 60 से 70 बार कर सकता है, लेकिन अगर कोई युवा है तो इसे वो लगभग 150 से 60 बार कर सकता है। यदि आप इसे नियमित करते हैं तो एक मिनट में 200 बार कर सकते हैं। प्रारंभ में आप इसे धीरे धीरे करिए, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आप इसे रेगुलर अपनी स्पीड में बढ़ाते ही जाने जाए। युवा हैं तो एक मिनट में 200 बार करने का प्रयास करें तो आप इसका बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।